हाय एवरीवन, आज की लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ एक्स का प्रूफ देखेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को गाइस। ये मैंने वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स का फंक्शन लिया है गाइस। अब आपको पता है गाइस, अगर एक्स में एक स्मॉल चेंज आता है जिसको मैं सिग्मा एक्स कह देता हूँ, सिग्मा एक्स, तो इस सिग्मा एक्स की वजह से वाई में भी चेंज आएगा जिसको मैं सिग्मा वाई कहूँगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ से आगे किस तरह होगा गाइज? यहाँ से आगे मैं अगर सिग्मा वाई को मालूम करना चाहूँ, किस चीज़ को, सिग्मा वाई को मालूम करना चाहूँ, तो देखें गाइज, यहाँ से सिग्मा वाई हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स प्लस सिग्मा एक्स, वाई उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा और वाई बराबर है टेन ऑफ एक्स के गाइज। ठीक है, अब देखें गाइज, सिग्मा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सिग्मा एक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस सिग्मा एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है गाइज, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, सिग्मा y इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा गाइज cos x प्लस सिग्मा x cos x, ये एलसीएम आ जाएगा गाइज। एलसीएम को उठाया, इसके ऊपर डिवाइड किया, cos x बचा, cos x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x प्लस सिग्मा x इंटू cos x। ठीक है गाइज, ये माइनस अपनी जगह पर, ये साइन एक्स अपनी जगह पर। ठीक है गाइस, एलसीएम को उठाया, इसके ऊपर डिवाइड किया, कॉज एक्स के बच के साथ ख़त्म हो गया, कॉज एक्स प्लस सिग्मा एक्स बचा, वो इधर मल्टीप्लाई किया, कॉज एक्स प्लस सिग्मा एक्स आ गया गाइस। ठीक है, अब देखें, ये अगर सारे का सारा मैं मान लूँ अल्फ़ा और ये मैं मान लूँ बीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास है अल्फ़ा और ये हमारे पास है बीटा, इसको अगर मैं कॉल कर लूँ इक्वेशन नंबर वन, तो आपको एक फार्मूला रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ गाइज, और वो ये साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा किस चीज़ के बराबर होता है गाइज? ये बराबर होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर गाइस। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर वन में हम ये फार्मूला लगा सकते हैं गाइस। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं गाइस। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज करेगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, क्या चीज़ है गाइस, अल्फ़ा है एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस बीटा, क्या चीज़ है गाइज, बीटा हमारे पास है एक्स, ये आ जाएगा गाइज, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा गाइज, डिवाइड बाय आ जाएगा कॉज एक्स प्लस सिग्मा एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स, ये आ जाएगा गाइज। ठीक है, यहाँ से आगे आप देखें, एक्स एक्स के साथ कट जाएगा गाइज, हमें मिल जाएगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू साइन सिग्मा एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स प्लस सिग्मा एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स गाइज, ये मिल गया। ठीक है गाइज, यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बोथ साइड को हम सिग्मा एक्स से डिवाइड कर लेंगे और जिसका फिर हम लिमिट ले लेंगे गाइज। ठीक है, तो वो हमें डी वाई बाई डी एक्स दे देगा गाइज। ठीक है, जिस तरह मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू वन बाई कॉज एक्स प्लस सिग्मा एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू साइन सिग्मा एक्स, और इस साइड को भी मैंने डिवाइड किया सिग्मा एक्स के ऊपर, और वो सिग्मा एक्स मैंने सिर्फ साइन के नीचे लिख लिया गाइस। ठीक है,
अब यहाँ से आगे ए बी इनिशियो मेथड में आपको पता होगा गाइस कि हम लिमिट ले रहे होते हैं अपने फंक्शन का गाइस, ठीक है। तो अब लिमिट ले लेंगे सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका लिमिट और इसका लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा वन डिवाइड बाई कॉज एक्स प्लस सिग्मा एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स। अब लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ की, इसका लिमिट मल्टीप्लाई बाई इसका लिमिट, तो इसका लिमिट भी लेना होगा सिग्मा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ साइन ऑफ सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स गाइस, ठीक है। अब लिमिट को पुट कर लेते हैं, ये वाला जो लिमिट है ये हमें दे देगा डी वाई बाई डी एक्स दे देगा गाइस, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर लेते हैं वन बाई कॉज एक्स प्लस ज़ीरो इंटू कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाई लिमिट ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा सच दैट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये बराबर होता है गाइस कितने के, वन के बराबर होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई कॉज ऑफ एक्स बचा यहाँ से गाइस, आगे कॉज ऑफ एक्स है गाइस, तो हमारे पास आ जाएगा वन बाई कॉज ऑफ एक्स का स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा गाइस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज, किस चीज़ का रिसिप्रोकल होता है गाइस, सिकंड का रिसिप्रोकल। अब कॉज के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया गाइस सिकंड स्क्वायर एक्स। याद रहे कि वाई बराबर था टेन ऑफ एक्स के, ठीक है। जब हम डी वाई बाई डी एक्स मालूम करेंगे और ये हमारे पास टेन एक्स हो तो इसकी जगह हम सिकंड स्क्वायर एक्स लिखेंगे गाइस, ये प्रूव कर चुके हम, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव प्रूफ करेंगे गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।